हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्लास में। तो ये क्लास नंबर 6 है, तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस कर दी हो तो प्लीज वो क्लास जाके देखिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में इंश्योरेंस अवेयरनेस फॉर LIC AA एंड LIC ADO की प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहां पे हमने ऑलरेडी बेसिक लेवल का इंश्योरेंस अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड। इंश्योरेंस अवेयरनेस की हिस्ट्री क्या है एंड ऑल। प्रीवियस क्लास यानी क्लास नंबर 5 में हमने न्यू दिल्ली में कौन से कंपनी के हेडक्वार्टर है ये देखे थे, तो वो भी एक बहुत ही ट्रिक से देखा था हमने। अरविंद केजरीवाल की ट्रिक लगाई थी न्यू दिल्ली के जो CM है। तो आप अगर क्लास 5 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद क्लास 5 जरूर देखना दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि न्यू दिल्ली का वीडियो देखने के बाद वो हेडक्वार्टर्स आप कभी भी नहीं भूलोगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ट्रिक देखते हैं कि चेन्नई के हेडक्वार्टर्स कैसे रिमेंबर रखेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि चेन्नई टीम के कैप्टन कौन है IPL में, MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट का किंग भी बोला जाता है दोस्तों, इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज है। तो MS धोनी के बारे में सभी जानते होंगे कि ये एक हेल्दी स्टार है। इनकी फिटनेस के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट से काफ़ी तेज है और इनकी इस क्वालिटी के लिए इन्हें सभी अप्रिशिएट करते हैं दोस्तों। वो काफ़ी वर्कआउट करते हैं, और जिन्हें भी नहीं पता कि MS धोनी एक हेल्दी स्टार है वो इस पिक से ध्यान रख सकते हैं कि MS धोनी एक हेल्दी स्टार है। ये पिक देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे दोस्तों कि MS धोनी एक हेल्दी टाइप के स्टार है। तो MS धोनी जब इंडियन क्रिकेट टीम में थे तो इंडियन क्रिकेट टीम में एक यूनिटी थी, उन्हें सभी प्लेयर्स रेस्पेक्ट देते थे दोस्तों। और जब MS धोनी कैप्टन थे तो इंडियन टीम एक कॉन्स्टेंट थी, वो 7 से 8 प्लेयर कॉन्स्टेंटली रखते थे, वो कभी भी चेंज नहीं करते थे। तो ये क्वालिटीज हमारे न्यू इंडियन कैप्टन को सीखनी चाहिए। तो MS धोनी के ये सभी क्वालिटीज के वजह से वो एक रॉयल कैप्टन थे। उनकी कैप्टनशिप का कोई जवाब नहीं है, वो कौन से भी सिचुएशन में कूल रहते थे, इसीलिए उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस रॉयल नेचर के वजह से ही उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। तो गाइज ये थी पूरी स्टोरी चेन्नई के हेडक्वार्टर्स रिमेंबर रखने की MS धोनी से रिलेटेड। तो आपको कभी भी चेन्नई में कौन से कंपनी के हेडक्वार्टर्स है ये ध्यान में रखना होगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी से ये पूरी स्टोरी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस ट्रिक में कंपनी के नाम कैसे एडजस्ट होते हैं। तो कंपनी के नाम के लिए सबसे पहले MS धोनी से हमें क्या ध्यान में रखना होगा, इस MS से चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस MS से आप महेंद्र सिंह धोनी से कनेक्शन लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि हेल्दी स्टार के लिए कौन सी कंपनी है। तो हेल्दी स्टार के लिए स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। तो स्टार हेल्थ से हम हेल्दी स्टार ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि MS धोनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, उनकी हेल्थ एंड पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी यूनिटी इन इंडियन टीम। तो इससे ध्यान में रख सकते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। यूनिटी इन इंडिया से ध्यान में क्या रख सकते हैं, यूनिटी इंडिया से यूनाइटेड इंडिया। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में है। अब आगे देखते हैं रॉयल कैप्टन कूल। तो रॉयल से हम क्या ध्यान में रख सकते हैं, रॉयल सुंदरराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो MS धोनी का नेचर कैसा है, रॉयल है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में है। तो कभी भी एग्जाम में अगर हमें MS दिखता है तो MS दिखते ही हमें चेन्नई के आंसर पे टिक करना है दोस्तों। और अगर आपको स्टार हेल्थ दिखता है तो क्या ध्यान में रखना है, हेल्दी स्टार। हेल्दी स्टार कौन था, MS धोनी थे। MS धोनी हेल्दी स्टार थे तो तभी भी आपको चेन्नई क्लिक करना है। अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अब यूनाइटेड इंडिया, इंडियन टीम को यूनाइट करना है। इंडियन टीम को यूनाइट किसने किया था, महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह कैप्टन कौन से टीम के हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के। और कभी भी क्वेश्चन में आपको आएगा कि रॉयल सुंदरराम, रॉयल ये वर्ड आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि रॉयल नेचर किसका था, रॉयल कैप्टन कौन थे, MS सिंह धोनी। तो MS सिंह धोनी रॉयल कैप्टन थे और MS सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन थे। तो कभी भी आपके एग्जाम में रॉयल वर्ड आएगा तो आपको आंखें बंद करके चेन्नई पे मार्क करना है दोस्तों। तो ये चारों कंपनी के हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों। आपके सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमें और वीडियोज बनाने का मोटिवेशन आप शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो ही मिलेगा, क्योंकि आपके लिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, बट हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। वो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ये पूरा वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, इमेजेस डाउनलोड करना, टाइप करना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस क्वालिटी के लेक्चर आपको किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि इतने डिटेल्ड वे में कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता, पेड कोर्स हो या यूट्यूब हो। अगली क्लास में हम मुंबई में कौन से कंपनी के हेडक्वार्टर्स है ये देखेंगे, क्योंकि मुंबई में 20+
कंपनी की हेडक्वार्टर से दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आऊंगा मैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिले। तो स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।